हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। तो आज हम राजस्थान के वस्त्र से संबंधित सभी प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख आभूषण जो हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो 2 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन देखने भी हैं और इनके सही आंसर जो है वो लर्न भी करने हैं। पिछले जितने भी वीडियोज हैं इनको आप बार बार रिवाइज करिए, बार बार इनको देखिए, तभी ये चीजें आपको याद होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक डोला दूजी मारवाड़ तीज कसुमल रंग। तो यहाँ पर कसुमल से क्या अभिप्राय है? यहाँ कसुमल से अभिप्राय है लाल रंग। अटपटी, अमराशाही, खंजरशाही, शिवशाही, ये किसके प्रकार हैं? तो ये सभी प्रकार हैं पगड़ी के, ठीक है। पगड़ी के ये विभिन्न प्रकार हैं। क्वेश्चन 3 है, मोठड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? तो पगड़ियां विभिन्न अवसरों पर पहनी जाती हैं। जहां मोठड़े की पगड़ी जो है वह विवाह के शुभ अवसर पर पहनी जाती है। नेक्स्ट है, लहरिया पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? लहरिया पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? तो यह श्रावण मास में पहनी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, मदील की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? मदील की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? तो यह पहनी जाती है दशहरे के अवसर पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी जो है वह किस अवसर पर पहनी जाती है? तो यह पहनी जाती है होली के अवसर पर, ठीक है। तो हमने विभिन्न पगड़ियों को देखा, जिसमें हमने देखा कि मोठड़े की पगड़ी जो है वह विवाह के अवसर पर पहनी जा रही है, श्रावण मास में लहरिया पगड़ी, दशहरे पर मदील पगड़ी और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर पहनी जाती है। चीरा और फेंटा किसके प्रकार है? चीरा और फेंटा किसके प्रकार है? तो ये भी पगड़ी का ही प्रकार है और जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो इस पगड़ी को धारण करते हैं। तुर्रे, सरपेच, धुगधुगी, लटकन, पछेवड़ी आदि आभूषण किससे संबंधित है? तो ये सभी आभूषण जो है वो पगड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, ये किसके प्रकार हैं? तनसुख, दुतई, गाबा, गदर और मिर्जाई, तो ये सभी अंगरखी के प्रकार हैं जो पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। पोमचा क्या है? तो पोमचा जो है वह ओढ़नी का एक प्रकार है। पोमचा ओढ़नी का एक प्रकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लहरिया भात की ओढ़नी कब ओढ़ी जाती है? तो देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखने हैं सभी। तो लहरिया भात की पगड़ी जो है, लहरिया भात की ओढ़नी जो है वह कब ओढ़ी जाती है? श्रावण तीज को, ठीक है। लहरिया भात की ओढ़नी श्रावण तीज को ओढ़ी जाती है। मातृपक्ष की ओर से गुलाबी पोमचा कब दिया जाता है? तो देखिए, मातृपक्ष की ओर से गुलाबी पोमचा जो है वह बेटी के जन्म पर दिया जाता है, और वहीं मातृपक्ष की ओर से जो पीला पोमचा होता है वह बेटे के जन्म पर दिया जाता है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। यदि लहरिये पर धारियां दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो क्या कहलाती है? लहरिये पर धारियां दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो वो कहलाती है मोठड़ा, ठीक है। क्या कहलाती है? मोठड़ा। वहीं पर हमने पगड़ी में भी ये चीज देखी थी कि विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, तो वो था मोठड़े की और ये है मोठड़ा। किस प्रकार की लहरिये में चमकदार गुलाबी रंग की धारियां होती हैं? तो ये होती है राजशाही जो लहरिये होते हैं उन पर चमकदार गुलाबी रंग की धारियां होती हैं। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह जयपुर शहर का प्रसिद्ध है। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर शहर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, बद्ध तकनीक की बंधे चुनरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बद्ध तकनीक की बंधे चुनरी होती है और यह कहाँ की प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है जोधपुर की। अगला है 17 क्वेश्चन, किस प्रकार वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहते हैं? किस प्रकार वस्त्र जो हैं वह वर्षों तक सुगंधित रहते हैं? तो यह रहते हैं मलागिरी वस्त्र जो होते हैं उनके कारण।
तो ये भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र होता है, ठीक है, जो कि प्राचीन समय में चलता था। तो इससे वस्त्र जो है वो वर्षों तक सुगंधित रहते हैं। अगला है, अमोवा वस्त्र का प्रयोग कौन करते थे? अमोवा वस्त्र का प्रयोग कौन करते थे? तो यह खाकी रंग का होता था, इसे शिकारी लोग जो है वह प्रयोग में लेते थे। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, अजरक प्रिंट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला अजरक प्रिंट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है बाड़मेर। बाड़मेर का अजरक प्रिंट जो है वह मशहूर है छपाई के लिए। अजरक की प्रिंट में किस रंग का प्रयोग मुख्य रूप से होता है? तो बाड़मेर की जो अजरक प्रिंट है इसमें मुख्य रूप से लाल और नीला रंग जो है वह प्रयुक्त तो होता है। इसके अलावा काला और हरा रंग भी इसमें देखने को मिलता है। बगरू की प्रिंट में किस रंग का प्रयोग मुख्य रूप से होता है? तो बगरू की प्रिंट में देखिए काला व लाल रंग जो है वह मुख्य है। जहां हमने देखा कि जो अजरक प्रिंट है जो बाड़मेर की है उसमें लाल नीला काला हरा, ठीक है, ये चारों ही रंग जो है वह महत्वपूर्ण है, और वहीं पर काला और लाल ये बगरू की प्रिंट इसमें मुख्य रूप से होता है। और यह बगरू की प्रिंट जयपुर में है, याद रखना है। बगरू की प्रिंट कहाँ की है? जयपुर की। और अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की। मसूरिया कपड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? मसूरिया कपड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह कोटा कैथून का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 23, तन सुख मलमल कहाँ की प्रसिद्ध है? तन सुख मलमल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है मथानिया जोधपुर की। अगला है क्वेश्चन कि ऊनी कपड़ा टुकड़ी कहाँ बनाई जाती है? टुकड़ी जो है वह कहाँ बनाई जाती है? तो यह जालौर और मारोट की प्रसिद्ध है, ठीक है, जालौर और मारोट की प्रसिद्ध है टुकड़ी। कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर टांग कर सजावट का कपड़ा बनाना क्या कहलाता है? कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर टांग कर सजावट का कपड़ा जो है वह क्या कहलाता है? यह कहलाता है चटापटी, ठीक है, हमने इसको बहुत अच्छे से ही क्लियर किया था, चैप्टर पढ़ा था जब। नेक्स्ट है लप्पा लप्पी क्या है? लप्पा लप्पी जो है वह गोटे के प्रकार है। चौड़ा गोटा क्या कहलाता है? तो वहीं पर चौड़ा गोटा जो है वह लप्पा कहलाता है, और जो छोटी छोटा गोटा होता है कम चौड़ा वो क्या कहलाता है? लप्पी। गोटा उद्योग का प्रमुख केंद्र है, गोटा उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वह कहाँ है? सीकर जिले में खंडेला में, खंडेला सीकर में गोटा उद्योग बहुत ज्यादा प्रमुख केंद्र है, किसका? गोटे का। अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, तो वो क्या कहलाता है? अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है पेच वर्क, ठीक है। वहीं पर हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर टांग कर सजावट के लिए जो कपड़ा बनता है उसे कहते हैं चटापटी। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ अलग अलग के रंगों के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है, तो इसे कहते हैं पेच वर्क। तो इन दोनों क्वेश्चन में ही फर्क है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट लिया गया है और कपड़े पर सिलाई की जा रही है। वहीं पर चटापटी पे हमने क्या देखा कि कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर टांका जा रहा है, ठीक है, दूसरे कपड़े को वहां पर लाकर टांका जा रहा है। तो इन दोनों को याद रखिएगा। तो इस तरीके से राजस्थान के प्रमुख वस्त्रों से संबंधित, पगड़ियों से संबंधित हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख आभूषण। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इन क्वेश्चन को देखिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।